Assalamu alaikum and hey friends, welcome back to my channel. And those who are new, welcome to my channel, Rami. तो फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा था वीडियो नहीं बनाती हूँ, लेकिन फिर बहुत सारे लोग आप लोग इंतज़ार करते हैं, तो सिर्फ आप लोगों की वजह से मैं आज वीडियो बना रही हूँ. और इसके अलावा आज ना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, मतलब कुछ भी बनाऊँ पता नहीं. मतलब आजकल आखिरी रोज़े चल रहे हैं, तो आजकल बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही कुछ खुद के लिए जाके स्पेशली कुछ पकाओ. और समझ नहीं आ रहा क्या पकाऊँ. और अभी 6:45 हुए हैं और 7:38 को शायद रोज़ा खुलता है, तो अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं है मेरे पास. मुझे नहीं पता मैं क्या पकाऊँ, तो अभी मैं सोचती हूँ कुछ ऐसा पकाऊँ जो कि बहुत ही आसान हो, लेकिन दिल कर रहा है बाहर जाके खा के आऊँ जल्दी से. बहुत ही आसान है बाहर जाना, लेकिन हालात ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं बाहर कल गई थी. आज अभी रोज़ रोज़ अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए आज ना मैं नहीं जाती. तो अभी मैं क्या बनाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा. मैं जाके चेक करती हूँ मेरे पास अगर क्या क्या सामान है, तो उन सामानों में से कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ जो कि जल्दी बन जाए और आसान हो. काश मैं घर पे होती, दही बड़े खाती. और क्या खाते हैं मेरे घर पे, पकोड़े खाते हैं और फ्रूट भी खाते हैं, लेकिन मेरा अकेले दिल नहीं करता फ्रूट लेने का. अभी क्या करूँ मैं, क्या रोमी क्या क्या खाएं, रोमी से कुछ पूछे, रोमी रोमी हम क्या खाएं. तो अभी ना मैं जाती हूँ किचन में चेक करने. और मैं आज सुबह से उठ के बाहर नहीं गई थी, सारा दिन घर पे हूँ. और मैंने ना आज पढ़ाई की और मैं बहुत ही डीप एक सोच में चली गई थी. तो अभी ना मैं सोच रही थी, इतने सारे साल कोरिया में गुजर गए और ना अभी फ्यूचर में क्या होगा मुझे नहीं पता कुछ भी, और जॉब वगैरह का या फिर कुछ भी. तो अभी मैं सोच रही थी कि हम मतलब क्या करना चाहिए, और मतलब पता नहीं क्या एक डीप सोच रही थी आज पूरा दिन, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था. और अभी फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा पढ़ाई तो करनी चाहिए कुछ भी हो जाए, मतलब पढ़ाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है. दिल जैसे मैं YouTube Instagram करती हूँ, ऐसे सेम स्टाइल में पढ़ाई भी ऐसे ही करनी चाहिए दिल लगा के. और वैसे मैं पढ़ती भी हूँ, ऐसा नहीं पढ़ती, लेकिन फिर मैं जोश में आ गई और मैंने फिर पूरा दिन पढ़ाई की अपनी अच्छे से. और अभी इफ्तारी का टाइम है और चलो यार अभी जाते हैं इफ्तारी करने, इफ्तारी बनाने, कोई भेज दो इफ्तारी. या चलो चलो किचन में चेक करते हैं क्या है, और फिर इफ्तारी करूं और फिर घर कॉल करूंगी. कल मैंने मेरे घर भी बात नहीं की थी, कल मैं सो गई थी. और वैसे डेली करती हूँ, लेकिन कल मैं सो गई थी. आज करूंगी बात, घर बिना बात किए फिर अजीब लगता है. अम्मी वाले, भाई बहन वाले, मतलब अम्मी बाबा भाई बहन, उनसे जब तक बात नहीं होती फिर अच्छा नहीं लगता. तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद घर भी बात करेंगे आप, तो मेरे साथ रहिएगा. लेट्स गो टू किचन. किचन जो है ऐसे साफ साफ नहीं था, मैंने कल वाले बर्तन पूरे अभी धोए हैं. ये सारे बर्तन देखो कितने साफ हैं, ये सारा मैंने अभी साफ किया सिर्फ वीडियो के लिए. अगर मैं बाहर खाती तो फिर शायद रात को करती, लेकिन अच्छा है साफ कर दिया. और ये भी धोया, इसको चूल्हा ऑन कर दूँ ना ये ड्राई हो जाए. तो इस सेक्शन में ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं डायरेक्ट बना सकती हूँ, जैसे कि ना ये ब्राउनी मेरे पास पड़ा हुआ है, ये पैकेट, इसमें डायरेक्ट जो है वो मैं ब्राउनीज पका सकती हूँ. और फिर मेरे पास यहाँ पे ये कुकीज़ हैं, अगर मैं कुकीज़ खाना चाहूँ, इसमें पूरा ऑलरेडी मिक्स किया हुआ है सब कुछ. और एक मेरे पास है ये पैनकेक मिक्स, जो कि पैनकेक्स बनेंगे. और ये बहुत ही आसान है, मैंने एक बार यूज़ भी किया है. आई थिंक मैं आज पैनकेक्स बनाऊंगी, तो एक चलो ये लेते हैं पैनकेक्स. और इधर क्या है, इधर हॉट चॉकलेट कॉफ़ी है, यहाँ पे ये क्या है, हेज़लनट कॉफ़ी. ओह हेज़लनट कॉफ़ी पिएगा कोई, हेज़लनट कॉफ़ी पीते हैं आज ना, इसको रख दो. मैं ना कॉफ़ी को क्या करती हूँ फ्रीज़र में रख देती हूँ थोड़ी देर, ताकि ठंडा ठंडा आइस हो जाए थोड़ी. और मेरे पास ना ये है टूना फिश का कैन है, इससे क्या बनेगा, सैंडविच. सैंडविच नहीं खाने का दिल कर रहा है. और ये क्या है, ये है स्वीट कॉर्न्स, ये सैलड वैलड या फिर ऐसे ही मोज़रेला चीज़ डाल के बना सकते हैं, लेकिन स्वीट कॉर्न्स भी अभी छोड़ो यार. और मुझे ना ये मिला है, ये वाले पास्ताज मिले हैं, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ये पास्ता बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास ना एक चीज़ है, मैं दिखाती हूँ.
तो यहाँ पे फ्रिज के अंदर ना मेरे पास ये है रोजे पास्ता का क्रीम, क्या है, पास्ता सॉस, तो इससे शायद काम चल जाए. और इधर क्या क्या है पता नहीं. यहाँ तो मुझे तो ये चाहिए होगा, दूध चाहिए होगा उसके लिए, पैनकेक के लिए. और मुझे ना एक अंडा भी चाहिए होगा पैनकेक के लिए. ये तो इन सामानों से शायद आज मेरी इफ्तारी हो जाए. सो लेट्स गो. तो सबसे पहले जो है वो पहनूंगी एप्रन. और आज की डिश जो है वो बहुत ही सिंपल सी होने वाली है, तो इसलिए इसमें कोई रेसिपी नहीं है जो कि मैं आप लोगों को दूं. तो इसलिए हम लोग ना आज व्लॉगिंग ही करेंगे, है ना रोमी? हाय रोमी, हाय रोमी, रोमी. और लूसी भी बैठा है, मैं लूसी आपको बाद में दिखाती हूँ, वो अभी सो रहा है. तो हमारा एप्रन हो गया और मैं ना मेरा सामान लेके आऊंगी. तो ये ही मेरे सारे सामान जो कि आज पकने वाला है. और सबसे पहले अभी मैं देखो मेरे पास ना टाइम बहुत ही कम है, तो इसलिए मैं बहुत ही जल्दी जल्दी पकाऊंगी. सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, पास्ता को बॉईल करना चाहिए. पास्ता के लिए ये दो चीज़ें चाहिए. तो पानी थोड़ा सा बॉईल हो उसके बाद में पास्ता डालती हूँ. रोमी हर वक्त तंग करता है, ये मेरी चेन खाता रहता है, फिर मेरे इयररिंग्स खाता है रोमी, और मेरे सारे कपड़े जो है वो खराब करता है. तो पास्ता मैं इसमें निकाल रही हूँ, मैं कितने चाहिए, शायद इनफ होगा. अगर बच गया तो हम बाद में खा लेंगे रात को, नो वरीज. और इसे बस गोल करके ये हो गया पास्ता बंद. ओके अभी इसको मैं ना रख दूँ इधर. तो पैनकेक जो है उसकी ना ये वाला है पैनकेक, ये आपको कोरिया में कहाँ मिलेगा, ईमार्ट में या कोई से मार्ट में, कहाँ कहीं पे भी, होम प्लस में, हर जगह भी मिल जाएगा. और इस पैनकेक की जो रेसिपी है वो इधर लिखी हुई है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक अंडा डाल, या कोरियन में लिखा हुआ है ऐसे देखो. तो एक अंडा डालना है, फिर ये पैनकेक का मसाला डालना है, और दूध डालना है, और मिक्स करना है, एंड रेडी. चलो बहुत ही आसान है. तो अभी ना पानी मेरा थोड़ा गर्म हो गया है ना, मैं इसमें डाल देती हूँ पास्ता. अभी जब तक ये पके तब तक मुझे चाहिए होगा ये कटोरा, और इसमें मैं डालूंगी ये पैनकेक का सामान. आप लोगों को पैनकेक देखना है. वेट करो, फिर कैमरा को मैं नीचे कर दी करो. मैं पहले ना ये मसाला डाल देना है, ये वाला मिक्सिंग पाउडर जो है डालना है. ये अंडा गया, एक अंडा सिर्फ. के बाद हमें ना ये भी चाहिए होगा, ये वाला मिक्सिंग करने के लिए है सिंपल, ये वाला दूध, कोई भी दूध चलेगा. और इसे थोड़ा थोड़ा करके डालना है, पेस्ट बनानी है, थिक थिन नहीं, ठीक है. इतना मजे का पैनकेक बनता है, ये मैंने पैनकेक पहले भी बनाया है. अच्छे से मिक्स करना है, पानी वाला नहीं होना चाहिए. और ये रेडी. ये पूरा मेरा एप्रन फाड़ रहा है, कपड़े फाड़ रहा है, सब कुछ खराब कर रहा है. क्या करे रोमी का बताओ, रोमी को क्या सजा दूं? रोमी रोमी रोमी. चलो पैनकेक रेडी हो गया, ठीक है. मेरा हाथ खराब हो गया. मैं क्या लिखा था कि 4 मिनट्स तक पकाना है एक साइड, और फिर उल्टा करना है गया था ये. तो अभी इधर पैनकेक बन रहा है, तो मैं आपको इधर लेके जाती हूँ, ठीक है. किसी को हर काम आना चाहिए, हर चीज हमारे अम्मी बाबा ही क्यों करे यार, हमें भी करना चाहिए ना, सब सब काम एक साथ करें, अच्छा होगा. ये अभी मैंने ना थोड़ा सा तेल डाला है इसमें, इतना ज़्यादा नहीं, और मैं इसे फैला रही हूँ गरम गरम, ताकि हल्का इवनली गरम हो. और फिर मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा डालूँ ये इसको क्या करें, ठीक है. अभी मुझे मेरा टिश्यू फिर से चाहिए होगा ये. अभी इसको हल्की सी आंच में 4 मिनट्स तक पकने देना है, कुछ भी नहीं करना है इसको. अभी ना 4 मिनट्स हो गए हैं, ठीक है. अभी मैं ना इसको देखो उल्टा करेंगे हम, बिस्मिल्लाह.
वाओ पैनकेक। अभी और पकेगा, दूसरे साइड से भी पकेगा। ओह कितना अच्छा कलर आया है, खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी फिर से पकेगा 4 मिनट तक, तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी ना देखो पैनकेक ऑलमोस्ट रेडी है। ये ना मोटा हो जाता है ऐसे, मतलब केक की तरह ही हो जाता है पूरा, लेकिन बनता है पैन में, तो इसलिए इसका नाम है पैनकेक। और ये माशाल्लाह से रेडी, मैं जस्ट उस साइड से गर्म कर रही हूँ ताकि हम लोग इस पे क्या करेंगे, पैनकेक के ऊपर क्या डाल के खाते हैं बोलो, पैनकेक के ऊपर। चलो ये देखो माशाल्लाह से, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मजे का है, खुशबू आ रही है, अच्छी अच्छी आज हम पैनकेक खाएंगे। तो अभी मैं कैमरा को थोड़ा और भी दूर करती हूँ, ठीक है। और पैनकेक के ऊपर जो है वो ना मक्खन डालते हैं, तो ये मैंने लगा दिया मक्खन गरम गरम। चलो हम इसके ऊपर ही रख देते हैं, बाद में मैं इसको वैसे भी गरम करके खाऊंगी, अभी रोजे में थोड़ा टाइम है। और उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो हनी है ये ऊपर डालते हैं, जो कि पैनकेक में बहुत ही मजा देगी माशाल्लाह। ये हो गया हमारा पैनकेक रेडी, एक डिश जो है वो पूरी रेडी हो गई। और ये माशाल्लाह, ठीक है, और ये बड़ी जल्दी हो गया तैयार। तो मेरे पास ना ये वाला चिकन जो है वो ऐसे ही कटिंग किया हुआ फ्रीज था, तो इसलिए मैंने ना क्या किया, सोचा क्यों ना हमारे पास्ता में थोड़ा चिकन डालूं। इसमें मैंने ऑयल डाला, और उसके बाद मैं क्या करूंगी कि ये वाला जो चिकन है इसको फ्राई करूंगी। पानी उड़ेगा अभी क्योंकि इसमें पानी था ना, और मुझे अभी चम्मच भी चाहिए। बड़ा डर लगता है, क्या करें, पानी लगा इसके अंदर, देखिए ठंडा पानी, और उसे गिर गया, गिर गया पास्ता सिंक में अंदर चला गया। ये वाले फ्राइड ऑनियंस जो है ना, ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया पहले, ये मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। शो मी फ्राइड ऑनियंस, बहुत ही मजे की सॉस है। इसके अंदर चीज है और क्या क्या है, टोमेटो है, ऑनियन है, पानी दिएगा, फिर ये सारी चीजें जो है पकेंगी एक साथ। तो जब तक मेरी सॉस गर्म हो रही है तब तक आप इस रोमी की हरकत से देखो करता क्या है, देखो ऐसे खाता है, मेरे सारे कपड़े खराब करता है, तुम्हें देख रहे हैं सब, देखो रोमी क्या कर रहे हो। कैमरा सामने आई तो अभी छोड़ दिया करना रोमी, रोमी। तो अभी पास्ता जो है, सॉस मेरी गरम हो गई है, ठीक है, सॉस गरम गरम हो गई अभी इसमें, और ये पास्ता अभी इनको अच्छे से मिक्स करना है। ये सिंपल टोमेटो पास्ता है, एंड इसमें ना सीजनिंग सॉल्ट जो है वो थोड़ा डालूंगी, इसमें ब्लैक पेपर भी होता है अंदर, तो मजे का टेस्ट आएगा। और मैं इसमें डालूंगी ओरिगानो, और ये, और फिर अगर ठंडा हो गया तो ओवन में गरम करके खा लेंगे, ठीक है। अब ये रेडी हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, चिकन के लेवल चिकन, चलो ठीक है, ये हम बाद में खा लेंगे, इट्स माय डिनर, फेस्ट फेस्ट डिनर। ये माशाल्लाह से रेडी, यस, तो माशाल्लाह से मेरी दो डिश आज रेडी हुई है, वैसे मैं एक ही बनाती हूँ। और अभी ना मैं क्या करूँगी, कॉफ़ी के लिए, ओह ओह ओह, पास्ता,
मेरी आइस खराब हो गई, मेरी आइस में सॉस लग गई पास्ता की, और ये क्योंकि ये आइस ऑलमोस्ट सारे खत्म ही हो गए थे, इधर दो हैं चक्की में, क्योंकि ओ ये ब्लैक कॉफी है, मुझे लगा कि वो होगी बिल्कुल, लेकिन मुझे ब्लैक कॉफी बहुत पसंद है और हेजलनट इसका टेस्ट आएगा, तो इट्स ओके। चलो अल्लाह का शुक्र है मेरी सारी इफ्तारी बन गई, और थोड़ा सा टाइम भी है, और रोमी अभी पानी पी रहा है, वो ऐसे पानी पीता है मेरे ऊपर बैठ के, ये देखो रोमी पानी पियो, गुड रोमी, गुड रोमी, पियो पियो पानी, पियो पानी पियो, नहीं चाहिए लिसी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हाय लिसी, हाय लिसी, किधर गया भालू, कड़ी चकड़ी 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 चकड़ी, किथे है भालू, किथे, वाह गुड लिसी गुड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कड़ी चकड़ी 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 चक, मस्ती है अभी यार, उस दिन मेरा हाथ जल गया ना, मुझे निशान ही हो गया हाथ में, देखो ये निशान जाता ही नहीं। तो अभी 3-4 मिनट बचे हैं, 3-4 मिनट के बाद इफ्तारी होगी, तो दुआ मांगती हूँ, मैंने आप लोगों के लिए भी दुआ मांगी, और ये भी मांगा कि इंशाल्लाह अल्लाह करे नेक्स्ट रमज़ान जो है वो भी हम सब साथ में खोले रोज़ा, और मैं इंशाल्लाह मेरी फैमिली के साथ बैठ के रोज़ा खोलूं। अभी कितना टाइम है, टाइम चेक करना पड़ेगा, टाइम अभी ना 2 मिनट है बाकी, 2 मिनट, क्योंकि मक्खन डाला था ना वो पूरा मेल्ट हो गया, दो मिनट। फैमिलीज के साथ जब होते होंगे तो घर पे कितना वो होता होगा ना, शोर होता होगा, फिर सब लोग लेके आते होंगे सारे खाने डाइनिंग टेबल पे या दस्तरखान पे, लेकिन इधर देखो ना कैसा है, लेकिन ये भी ठीक है यार, मतलब अल्लाह का शुक्र है कि ना रोज़ा खुल रहा है, अच्छे से खुल रहा है। मैंने लूसी और रोबी को उस रूम में रखा है, दूसरे रूम में, ताकि मैं आराम से रोज़ा खोलूं, नहीं तो दोनों मुझे खाने नहीं देते। अभी टाइम 2 मिनट बहुत बड़े लग रहे हैं, 2 मिनट खत्म ही नहीं हो रहे, पानी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अभी मैं मीठा पहले खाऊं कि खट्टा चटपटा, पैनकेक में थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ पहले, ठीक है, मैं ना कैमरा को थोड़ा सा इससे करते हैं हम, ठीक है, अभी पैनकेक जो है वो मैं पहले थोड़ा टेस्ट करूँगी कैसा हुआ है, माशाल्लाह से दिखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है, क्या है यार नीचे से निकला नहीं, देखो ये देखो ना पूरा इधर से पक गया है, ज्यादा मीठा भी नहीं है, बहुत टेस्टी हुआ है, मजे का, इसमें मुझे हनी और डालनी चाहिए थी थोड़ी सी, देखो पूरा पक गया है केक की तरह, बहुत टेस्टी हुआ है, बहुत माशाल्लाह, और ये मेरी कॉफी,
मुझे ना इसमें आइस चाहिए होगी यार। इसी से ही आइस निकालती हूँ। आप लोग बोलेंगे एक ही चम्मच यूज कर रहे हैं, अभी मैं ही खाऊंगी तो अब एक ही कर रही हूँ यूज। ये मेरी कॉफी, कॉफी की बहुत मजे की खुशबू आ रही है। अभी इसको ना वापस से ऐसे कर देते हैं। कॉफी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत टेस्टी है। या अल्लाह, इतनी मजे की है हेजलनट, और इसमें ना चीनी भी है, वैसे चीनी भी है लेकिन टेस्टी है बहुत। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। और मैंने सोचा कि ना मैं इसमें दूध डाल के चेक करूंगी कि कैसी होती है, तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। ये दूध डाल दे आप। मिल्क कॉफी। अभी मैं इससे इसको ये टेस्ट। दोनों टेस्टी है, दोनों ही टेस्टी है, लेकिन ब्लैक वाली ना ज्यादा टेस्टी थी, क्योंकि ब्लैक वाली ना हेजलनट का बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट आ रहा था, लेकिन ये वाली भी अच्छी है। ठीक है, अभी यार मेरा दुपट्टा क्यों स्लिप हो जाता है पता नहीं बार बार। अभी ना मैं ये पास्ता ट्राई करूंगी। कैमरा को ऐसे कर देते हैं। पास्ता जो है वो मैंने शौक से बनाया ऐसे ही। पास्ता बहुत मजे का है सच में। रोमी और लूसी इसलिए चिल्ला रहे हैं कि जब भी बाहर से कोई भी आवाज आता है ना, फिर दोनों चिल्लाते हैं, इसलिए। देखें, माशाल्लाह से बहुत टेस्टी हुआ, मजे का। और ये वाले पास्ता खाने में भी अच्छे हैं। मुझे नूडल्स से ज्यादा पास्ता पसंद है ज्यादा। अल्लाह का शुक्र है। अभी मैं जाके रोमी और लूसी को देखती हूँ, और आप अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने समझ नहीं आ रहा था आज क्या बनाऊँ, मुझे दिल ही नहीं कर रही थी, कुछ हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ पकाने की, फिर भी अल्लाह का शुक्र है बस पका लिया, अच्छा खाना बन गया। तो अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू, बाय बाय, खुदा हाफिज़।